बड़ा वाला भी भूल नहीं जाइएगा, देखो केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनका बेटा वहाँ पर कर दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो छोड़ते हैं किसी चीज़ को। बिहार में आप लोग जानते नहीं हैं, आप तो यंगर हैं, जरा सबसे पूछ लीजिए बिहार में किस तरह से हम लोगों ने आपस में किसी तरह का विवाद न हो और कितना ज़्यादा हम लोगों ने किया है। तो हम लोग प्रोटेस्ट करा ही रहे लेकिन अब इधर फिर बढ़ने लगा, तीन चार जिला का रिपोर्ट आने लगा और पटना प्रॉपर में सबसे ज़्यादा हो रहा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से साफ साफ लफ्जों में यह कहकर चेता दिया है उन लोगों को जो लोग गड़बड़ करते हैं, जो लोग बिहार के माहौल को खराब कर रहे हैं। देखिए बीजेपी के नेता पलटवार कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार भी कर रहे हैं। 18 वाला भूलिएगा मत, याद है एक केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जब माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी, इशारा सीधा श्री अश्विनी चौबे पर है और उनके बेटे पर है। जब भागलपुर के नाथनगर में माहौल खराब हुआ था उस दौरान अरिजीत शाश्वत चौबे को गिरफ्तार किया गया था, वैसे में नीतीश कुमार कर रहे हैं माहौल बिगाड़ने की कोशिश जो करेंगे उन सब पर कार्रवाई हो रही है, उन सबको छोड़ा नहीं जा रहा है। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं जरा सुनिए। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री, उन्होंने अभी कुछ देर पहले बयान, उन लोगों का क्या मतलब है? अब बिहार में आप लोग जानते नहीं हैं, आप तो यंगर हैं, जरा सबसे पूछ लीजिए बिहार में किस तरह से हम लोगों ने आपस में किसी तरह का विवाद न हो और कितना ज़्यादा हम लोगों ने किया है। अब कहीं दो जगह एक जगह कहीं पर कुछ झगड़ा कर रहा है, किया तो तुरंत उस पर कब्जा भी किया गया है, तो इसलिए सब कुछ हो रहा और धीरे धीरे तो पता ना चलेगा कि कौन ये सब गड़बड़ किया है। तो एक एक चीज़ को, एक एक चीज़ का आप समझ लीजिए, तो यहाँ पर तो एक एक चीज़ का ध्यान दिया था, कभी होता था और फिर अभी आजकल कुछ किया तो पूरे चीज़ का जांच रखा जा रहा और हर आदमी अलर्ट है, तो इसीलिए कहीं कुछ होना होना नहीं है, ये तो पता चल जाएगा सब कुछ। लोग अंदरूनी तौर पर हमारे सारे पुलिस और अधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, देख लेंगे कि एक्चुअली कौन ही कर दिया। तो जो गड़बड़ जो दिखाई पड़ा हो सब तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन सचमुच सही रूप में जानेंगे कि कौन इस तरह से हो गया, क्यों इस तरह से, कभी कुछ होना नहीं था। अब आप जानते ही हैं कि कितना ज़्यादा हुआ। अब आजकल जो बोल रहा है तो याद है ना जी, 18 वाला भी भूल नहीं जाइएगा, देखो केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनका बेटा वहाँ पर कर दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुआ, हम कभी छोड़ते हैं किसी चीज़ को, ये आप जानते हैं, शुरू से ही हम लोग एक एक चीज़ का तो रखते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहता आजकल, लेकिन खुद भी सोचे कि कितना ज़्यादा हम लोग चाहते हैं कोई हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का झंझट ना हो, लेकिन अब लोग क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो समय पर पता चलेगा। जितने लोग हम लोग सबको अलर्ट किए हुए हैं और आप जान लीजिए एक एक जगह जा कर के लोग पूछ रहा है और लोगों को कह रहा है कि नहीं आपस में तो एकता रहनी चाहिए। तो अभी इतना हम जब समूचा घूम करके आए तो आप देखे नहीं कि माहौल कितना बढ़िया रहता था, कहीं कोई झगड़ा था? तो जान बूझ करके कुछ जगह पर कुछ लोग करता है, तो पता करना चाहिए कौन देश यात्रा पर निकले। अभी हम किसी पर कुछ कहेंगे नहीं, उचित नहीं है, सवाल पता चल जाएगा तो आप लोग तो आगे छापवे नहीं करिएगा, क्या करिएगा? असली गड़बड़ लोग पकड़ा जाएगा तो फिर कैसे क्या होगा पते ना चलेगा जी। तो आप जानते ही हैं कि क्या गलत गलत सब चीज प्रचार करता है, तो सब चिंता मत कर। देश यात्रा पर निकलिएगा सर, पहले कहा अभी अभी, अभी 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 उसके बारे में जब करेंगे तो करेंगे तब आपको पता चलेगा। अभी मुख्यमंत्री जितने लोग आपने पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्री बना दिया वो लोग दंगा पर्यटन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? प्रतिदिन की रिपोर्ट हर दिन हमारे पास आता है और हम लोग बिहार में बाजाबता टेस्ट कराते रहते हैं। माइक छोड़ दीजिए ना, ऑडियो नहीं आ रहा, समझ गए ना? अभी भी हम लोग टेस्ट करा रहे हैं और देश में जितना टेस्ट हो रहा है उसका 1/4 से ज्यादा टेस्ट हम लोग शुरू से करा रहे हैं। अब आप जान लीजिए कि कितना टेस्ट हो रहा है, 10 लाख वाला जो आप गिनती करिएगा तो बाकी पूरे देश का एवरेज देखिएगा तो 6 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन हम लोगों के यहाँ बिहार में जो टेस्ट होता है वो 8 लाख से भी ज़्यादा है, 10 लाख किया हुआ। तो इतना ज़्यादा हम लोग निरंतर टेस्ट करते रहते हैं, प्रतिदिन देखते रहते हैं, जिस दिन 0 भी होता है लेकिन हम लोग छोड़ते नहीं कि भाई सब जगह टेस्ट कराते रहिए, देखते रहिए, ये अच्छा। तो हम लोग तो टेस्ट करा ही रहे लेकिन अब इधर फिर बढ़ने लगा, तीन चार जिला का रिपोर्ट आने लगा और पटना प्रॉपर में सबसे ज़्यादा हो रहा। हम तो कह ही रहे कि सब लोगों को अलर्टनेस करना है,
अब बाकी दूसरे जगहों पर जहाँ पहले हुआ था सबसे ज्यादा था उन जगहों पर तो फिर पढ़ाई हुआ, ये तो अलग बात है, आगे तो कुछ भी हो। और हम तो कल जो देखे तो हॉस्पिटल में भी दो है गया, लेकिन पहले तो हो जाता था लेकिन हॉस्पिटल में किसी को जाने की जरूरत है। अब कल हम देख रहे हैं कि दो को हॉस्पिटल भी जाना पड़ा, तो अब स्थिति है, सब तैयारी है, कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग तो चाहते ही हैं, अब जो बात होता था कि हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, टीकाकरण वाला जो चक्कर था अब वहाँ ही नहीं रहा, अब यहाँ पर तो हम लोग करा रहे थे एक सप्ताह पहले तक, लेकिन तब तक खत्म हो गया, तो इसीलिए अब नहीं है। तो हम तो चाहेंगे केंद्र सरकार को चाहिए जल्दी से जल्दी कराना ताकि भी शुरू हो जाए, तो इसीलिए बड़ा जरूरी अच्छा रहेगा ताकि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो। तो अभी तो चूंकि बंद हो गया था तो बीच में वहाँ हो ही नहीं रहा था, तभी अवेलेबल नहीं हो रहा, आप जितना जल्दी अवेलेबल कराएंगे उतना अच्छा, हम लोग तो कर ही रहे हैं। यहाँ पर तो आप समझ लीजिए प्रतिदिन का खबर आ रहा है, कभी आप लोग देखना चाहिएगा आपको 2020 जब से शुरू हुआ और तब से लेकर के आज तक का आप लोग एक रोज दिखा देंगे कि हमको प्रतिदिन का रिपोर्ट और जांच के लिए भी होता है और जो लोग पीड़ित होता है उसको तो आप जानते हैं। बिहारी में हम लोगों ने 4 लाख से शुरू कर दिया, हम लोग करते हैं। इस बार भी हम लोग सब दिखवाए हुए हैं कि जैसे जनता दरबार में तो आता है ना तो बता देता हमारा, तब एक एक का जांच करवा लिए और जो बचा है वो सबको भी। तो बिहार के सासाराम और बिहार शरीफ में हुए हिंसा के बाद नीतीश कुमार ने एक तरफ जहां पहले ही कह रखा है कि एक वो है जो राज करते हैं और दूसरा वो है बिहार में जो उनके एजेंट है, माहौल बिगाड़ते हैं, असदुद्दीन ओवैसी को भी बीजेपी का एजेंट बता चुके नीतीश कुमार, आज किस लहजे में उन्होंने फिर से एक बार विरोधियों का जवाब दिया आपने सुना है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।